का झूमर हया की मुंदरी दिल का यही कहना ओ रब्बा मेरे भाग्य जगा दे पार लगा दे ओ रब्बा मेरे भाग्य जगा दे पार लगा दे रास्ता भटकूं मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू। आप जैसी घटिया मक्कार काले दिल की औरत मैंने जिंदगी में नहीं देखी। यही रोको इसे। जाने दीजिए, किसी ने नहीं कहा है उसे यहां से जाने के लिए, वो खुद गई है। लेकिन जो कुछ उसने आपको यहां पे कहा है उसके बाद उसका यहां रुकना नहीं बनता। बहुत ही लकी हो, जिंदगी में जो चाहती हो हासिल कर लेती। हाँ वो तुम, क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अपनी किस्मत को अपने फेलियर्स के लिए ब्लेम करते हैं। मैं तदबीर पे यकीन रखती हूँ, तदबीर पे। मेरा यार भी तू। एक ही पराठा बनाया था। ये किसका है? ये ले रही हूँ। वहीद का। परेशानी के मारे उनके हलक से तो उतरा नहीं, और तुमों के अचार दीजिएगा, अंडा तो खत्म हो गया है। वश्मा, तुम्हें कुछ एहसास है? आपको एहसास है? कोई खा रहा होता है ना तो घूरते नहीं है, नजर लग जाती है। नजर तो मेरी खुशियों को लग गई। दिल ठंडा हो गया था तुम्हारा घर बस जाने पर, और तुम हो गए एक ही महीने में वापस आ गई। 2 महीने में भाभी। वश्मा मत करो, वापस चली जाओ। छोटी छोटी बातों पे घर नहीं छोड़ते। आप यहाँ बैठे हुए कैसे बोल सकती हैं छोटी बात है? क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तुम्हारा टेम्परमेंट कैसा है। अरे जरा सी बात बर्दाश्त नहीं होती तुमसे। मुझे जानती है ना, उनकी वो आपा को नहीं जानती। आप हद से ज्यादा बढ़ गई थी वो। यानी घर छोड़ने की वजह शहीर नहीं उसकी बहन है। वश्मा ये ना भूलो कि तुमने शादी शहीर से की थी, उसकी आपा से नहीं। भाभी जब तक आपा है ना उनकी जिंदगी में, किसी और की जगह नहीं बन सकती उनकी लाइफ में। पता नहीं शादी का पंगा ही क्यों पाला, मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है। अगर उसकी जिंदगी में तुम्हारी कोई अहमियत ना होती ना, या तुम्हारी तरफ से बिल्कुल ही बेफिक्र होता, तो तुम्हारे घर छोड़ने पे तुम्हारे भाई को फोन करके तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त ना करता। और इतनी नाराजगी के बावजूद रात को ड्राइवर ना भेजता तुम्हारे पीछे। अहमियत नहीं है। नई बात सुना रही हो तुम मुझे, ये सब क्या है? अरे ये नई बात नहीं है, ऐसा होता है। बल्कि ऐसा ही होता है कि पहले लड़की को देखने जाते हैं, उसके बाद मामला तय होता है। लेकिन तुम्हारी आपा पहले मुझे देखने आई है, मेरे घर वालों से बात करने आई है। उस बात से मेरी अम्मा इतनी अपसेट थी कि मैं ये उन्हें कैसे कहूँ कि वो तुम्हारे घर या तुम्हें देखने ना आए। क्यों भाई? पहली तो बात है कि वो अपसेट की होती, अगर वो आए गई हैं इट्स नॉट अ बिग डील। और दूसरी बात यह कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो मेरे घर आए। आई एम रियली ग्लैड कि दो फैमिलीज मिल लेंगी, आई एम हैप्पी विद दैट। लेकिन अगर तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हारी अम्मी के सामने सच सबर के जाऊंगी, वो मुझे जांचेंगी, पहचानेंगी, पसंद करेंगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अरीशा, अगर तुम्हारी अपा मुझे देखने या मुझे इंटरव्यू करने आ सकती हैं, तो मेरी अम्मा क्यों नहीं आ सकती? होल्ड ऑन अ सेकंड, तुम्हें किसने कहा है कि वो तुम्हें अप्रूव करने आई थी? देयर वाज नथिंग लाइक दैट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं उन्हें बोल चुकी थी कि मैं तुम्हें अप्रूव कर चुकी हूँ, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी उनका। और वैसे भी अगर मेरी आपा सब कुछ डिसाइड कर चुकी है और तुम मुझे पसंद कर चुके हो, तो मैं नहीं समझती कि ये दिस इज अ राइट थिंग। क्या चुप हो गए? अरीशा, मेरी अम्मा भी फॉर्मेलिटी पूरी करने आ रही है। मेरी खुशी में ही उनकी खुशी, ट्रस्ट मी। एंड यू
ट्रस्ट मी आई एम डन नबाई जान क्या हो गया अरिशा एक्सक्यूज मी ऑर्डर कैंसिल कर दे आई एम सॉरी क्या हो गया खैरियत तो है खैरियत मेरी जिंदगी में खैरियत कहाँ भाभी अरे अरसलान तुम अरे बाप तुम आज यहाँ पर आई हुई हो चलो अच्छा है इसी बहाने तुमसे मुलाकात भी होगी कैसे हो तुम्हारे साथ आज वो तो बिल्कुल वो चाहे जैसे भी हो सोने के क्यों ना बनकर आ जाएं लेकिन जिनकी अकल पर पर्दे पड़े होते हैं ना वो अपनी किस्मत पे तारे भी डाल लेते हैं क्या हो गया कुछ नहीं भाभी को सुबह सुबह फिलॉसफी के दौरे पड़ते हैं तुम चाय पियोगे भाभी चाय का तो पूछो उससे वो मेरा भाई है चाय पानी पूछना होगा ना तो मैं खुद ही पूछ लूंगी और तुम भी अरसलान की तरह इस घर में मेहमान हो मेहमान नवाजी करना तो मेरा फर्ज है ना जैसा आपको बेहतर लगे क्या हो गया आपको क्यों सुबह सुबह घर का माहौल बर्बाद कर रही हैं तो कह देती मैं भी अब किसी का लिहाज नहीं करूंगी चुप बैठने वाली नहीं हूं अब मैं मेरे ख्याल में अब मुझे चलना चाहिए क्या हो गया है अच्छा है ना वो लोग आ जाएं एक ना एक दिन तो आना ही है ना मंगनी की डेट सेट करने के लिए तो मैं भाई को कॉल करके पूछ ही लेती हूँ कब बुलाऊं डोंट बी सिली उसे क्यों डिस्टर्ब कर रही हो ऑफिस में और उसे क्या इतराज होगा आफ्टर ऑल मैं ही तो हैंडल कर रही हूँ सब कुछ बुला लो लंच पर उनको कल पर लंच पर भाई नहीं होते तो अच्छा है ना और वैसे भी वो लोग अजीब से ही हैं कुछ उल्टा सीधा हो गया ऊंच नीच हो गई तो तुम्हारा सेंसिटिव भाई अपसेट ही ना हो जाएगा यू नो व्हाट आई मीन सेंसिटिव भाई और अपसेट खुद कौन सा तीर मार लिया उन्होंने मिडिल क्लास फैमिली में शादी कर उनसे मिलते भी नहीं है वो तो देख लिया ना उसका नतीजा डेढ़ महीने में फेड अप हो गया था आई डोंट वांट दिस टू हैपन ना जानी ट्रस्ट मी जाओ जाके उमर को फोन करो कहो उससे आ जाए कल लंच पर आए तो सही इतना बेबस भी नहीं होना चाहिए इंसान को अरे बड़े भाई हैं डांट डपट कर इसको वापस घर नहीं भेज सकते मेरे डांटने डपटने से वो ससुराल वापस नहीं चली जाएगी मैं उसकी जिद को अच्छी तरह जानता हूं बीबी हाँ ये तो हो सकता है कि वो घर छोड़ के कहीं भाग जाए किसी दोस्त के यहाँ चली जाए या कहीं और चली जाए हिमाकत पे हिमाकत अरे दो लगाएं सारे मिजाज ठिकाने आ जाएंगे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है मरियम मैं अपनी जवान बहन पे हाथ उठाऊंगा बच्ची नहीं है अब वो अगर बच्ची नहीं है तो बचपना क्यों दिखा रही है समझदारी दिखाए ना अरे अच्छे रिश्ते इतने मुश्किल से मिलते हैं कदर करनी चाहिए इनको देखो हफ्ते भर में आके बैठ गई अपने महके में अरे कुवारी लड़कियां तरसती हैं ठिकाने के लिए इनका क्या ख्याल है कोई मौजिजा होगा कोई आएगा और इनको ब्याह कर ले जाएगा कोई नहीं लेके जाएगा सारी उम्र यहीं बैठी रहेगी अरे मुझे तो चुप करा लेंगे लेकिन जब रिश्तेदार आके पूछेंगे बोलने वाले आके पूछेंगे तब क्या जवाब देंगे आप मेरी बहन मैं जवाब दे रही हूँ मेरी बहन मेरी जिम्मेदारी है तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ हो रही क्यों ना हो मुझे तकलीफ अरे ये घर मेरा है कोई डेरा जमा कर बैठ जाएगा यहाँ पे तो तकलीफ तो होगी ना चुप होती हूँ बताओ तुम क्या क्या करेंगे घर से निकाल देंगे मुझे अरे अगर दो दिन में ये घर छोड़कर नहीं गई ना
तो मैं खुद ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। भाभी आप क्यों घर छोड़कर जाएंगी? मुझे कहती हैं कि मैं चाइल्डिश हूँ, खुद बहुत मैच्योर हैं आप, आपका घर है, आपकी बेटी है, मेरे पर्सनल इशू के लिए आप घर छोड़कर चली जाएंगी। तुम भी तो शहीद का घर छोड़कर आई हो, अपने नंद के मसले की वजह से छोड़कर आई हो ना, तो मैं क्यों ना छोड़कर जाऊं? पागल हो गई, पागल हो गई ये औरत, किसी के कहने में नहीं है। अभी बेटा एक बात सुनो, तुम मेरी शहीद से बात करो, मैं तुम दोनों को आमने सामने बिठा कर ये मामला तय करवा दूंगा। समझाएं, अरे समझाएं अपनी बहन को, जो शख्स अपनी पहली बीवी को छोड़ चुका हो उसकी झिझक मिट चुकी होती है, इसको छोड़ने में दो मिनट भी नहीं लगाएगा वो। तुम बस बकवाने निकालती रहो, अरे दो दिन हुए मेरी बहन को घर आए हुए, तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वहीद आपकी बहन को मैंने कई साल बर्दाश्त किया है, आपकी बहन से उसकी नंदे बर्दाश्त नहीं हुई। अरे लड़कियां तो अपने ससुराल वालों को काबू कर लेती हैं, अपनी नंदों को रास्ते में ले आती हैं। अरे ये सारी बदज़बानियां चालाकियां ये सब सिर्फ मेरे लिए है, घर बसाने वाली नहीं है ये। क्यों औरतों में से है ही नहीं जो घर बसा सके, जो अपनी नंदों को जंगलों में रास्ते में ले आए? नहीं नहीं ये तो भगोड़ी है। मैं भगोड़ी नहीं हूँ। तुम भगोड़ी हो। अरे बड़ी तरम खान बनी फिरती हो ना, एक मैडम ने दो दिन के अंदर तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगा दिया, बिल बिलाती हुई मैं के चली आई हम पर बोझ बनने। ना मैं पहले बोझ थी ना अब बनूंगी आप पे। इतनी चालाक बनती हो ना, तुम इतनी चालाक हो नहीं, अगर होती तो अपनी जगह खाली छोड़कर एक औरत की वजह से यहाँ आकर ना बैठ जाती। अरे तुम घर बसाने वालों में से हो ही नहीं, तुम्हारे तो बस की बात ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं कि घर बनते कैसे हैं। अरे जो लड़की अपना कमरा नहीं संभाल सके वो जिंदगी क्या संभालेगी? भाभी आप मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं करें, निशात आपा जैसी 10 औरतों को मैं साइडलाइन करा सकती हूँ, और शहीद की आंखों के सामने जो पर्दा है ना एक चुटकी में खत्म कर सकती हूँ। मैं अपना हक छीनना भी जानती हूँ, उसके लिए लड़ना भी जानती हूँ। अरे तो लड़ती ना छीनती ना, मुंह छुपा कर यहाँ क्यों चली आई हम पर बोझ बनने? नहीं बनूंगी आप पे बोझ में। खुश कमीनगी और कमजर्जी का मुजाहरा किया है तुमने मरियम। कहती है कि मैं चाइल्डिश हूँ, खुद बहुत मैच्योर हैं आप, आपका घर है, आपकी बेटी है, मेरे पर्सनल इशू के लिए आप घर छोड़ के चली जाएंगी। भाभी आप मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं करें, निशात आपा जैसी 10 औरतों को मैं साइडलाइन करा सकती हूँ, और शरीर की आंखों के सामने जो पर्दा है ना एक चुटकी में खत्म कर सकती हूँ। मैं अपना हक छीनना भी जानती हूँ, उसके लिए लड़ना भी जानती हूँ। नहीं बनूंगी आप पे बोझ में। खुश जो अपनी नंदों को चंद्र में रास्ते में बिलाती हुई मैं के चली आई। अरे नहीं, अरे नहीं।
घर बसाने वालों में से हो ही नहीं। तुम्हारे तो बस की बात ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं कि घर बनते कैसे हैं। अरे जो लड़की अपना कमरा नहीं संभाल सकी वो जिंदगी क्या संभालेगी। कल अरीशा की मंगनी की डेट फिक्स कर ही देते, क्या ख्याल है? इतनी जल्दी क्या? मैं उमर से मिलके जरा तसल्ली तो कर लूं पहले। तुम्हारी और मेरी तसल्ली करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसने ठान लिए इसलिए उसकी ख्वाहिश पूरी करनी ही पड़ेगी। पापा ये अरीशा की जिंदगी का सवाल। हाँ लेकिन शहीर इसे ज्यादा दिन लटका नहीं सकते ना, लटकाया तो वो कहेगी कि मैं ही रुकावट बनी खड़ी हूँ। ठीक है फिर, जैसे आप बेहतर समझे। मैंने तो उसे कहा था कि कुछ दिन सब्र कर लो, रुक जाओ, वशमा का मामला है, उसे तय होने दो। उमर की फैमिली इस तरह के लोग हैं कि ऐसी बातें बहुत नोटिस करते हैं वो लोग। घर पे नहीं होगी तो पूछेंगे भाभी कहाँ है, लेकिन नहीं माने। वैसे अगर तुम कहो तो मैं वशमा को ले आऊं जाके। नहीं उसकी जरूरत नहीं है, उसने जब आना होगा खुद ही आ जाएगी। वो नहीं आने वाले। चाय पी लें? नहीं पीनी मुझे चाय। और तुम भी जाओ यहां से, तुम्हारी शक्ल देखने का दिल नहीं चाह रहा। कैसा तमाशा किया कल तुमने, एक बार नहीं सोचा कि बेचारी उस वशमा के दिल पर क्या गुजरी होगी? कुछ नहीं गुजरी मेरे दिल पे, बहुत ढीठू मैं। अगर नहीं होती ना तो उसी दिन मर जाती जब आप इनको हमारे घर लेकर आए थे। लेकिन बेटा भाई प्लीज, अब मेरी वजह से इनसे लड़ने की जरूरत नहीं है। कोई और बच्चा ढूंढ ले, 10 बहाने मिल जाएंगे आपको। जा कहां रही हो? अपने घर। शहीर के घर? हाँ तो एक ही शौहर है मेरा। तुम्हारी कोई बात हुई उस? क्यों बात करना क्यों जरूरी है? अपने घर जाने के लिए उनसे इजाजत लेना जरूरी है क्या? नहीं 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 भाई, जाहिर तुम्हारा हक है, जरूर जाओ, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। नाश्ता करके जाओगे तो, कल रात से तुमने कुछ नहीं खाया। मरियम भाभी, अब तो मैं मेहमान हूँ ना, जाने वाली हूँ, थोड़ी सी और मेहमान नवाजी करते हैं। अच्छे से पराठे बनाएंगे, पता नहीं कब नसीब हो। क्या करे बेचारी, आजकल की लड़कियां इतनी बिजी होती हैं, वो सारा सोशल मीडिया, उस पे चैट और फोन पे बातें करना, दोस्तों से सहेलियों से, तो कोई तकरीबन सुबह के 4-5-6 तो बज ही जाते हैं, फिर कोई 2 घंटे लगते हैं सोने में, तो सोते सोते देर हो जाती है, तो सुबह जल्दी कैसे उठे बेचारी। मेरी बीवी वशमा पहले ही मंगनी के हवाले से सारी बात कर चुकी है आप लोगों से, तो वहीं से सिलसिला जोड़ना। कब रखनी है मंगनी? जब आप लोग कहें। नेक्स्ट वीक सही रहेगा क्यों वशमा? मेरा याद भी तुम। गुड मॉर्निंग मेरी जान। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई एम गुड। ऑफिस जा रहे हो? हाँ मैं आ जाऊंगा लंच टाइम पे, टाइम निकाल के। अरे नहीं कोई जरूरत ही नहीं आने की, मैं हूं ना, मैं कर लूंगी। आई लुक आफ्टर देम, डोंट वरी। नहीं नहीं आप
छोटी बहन है, उसके रिश्ते के लिए लोग आ रहे हैं, जरूरी है मेरा। नहीं ना, मैंने कहा ना मैं देख लूंगी सब कुछ, क्यों फिक्र करते हो, जाओ ताकि अपना काम करो। ओके ओके, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो, ओके भाई, खुदा हाफिज। दादू से मेरी बात सुन, जब तक वो लोग यहाँ हैं तुमने शहीर को दफ्तर में ही रखना है, बिल्कुल घर मत आने देना। बाबा काम में उलझा दूंगा, और काम के मामले में कितना सीरियस है तुम जानती हो, टेंशन क्यों ले रही है? कहाँ ले रही है, तुम्हारे होते भी कोई टेंशन ले सकता है? अरे भाई कहाँ गया मेरा स्टाफ, मुझे सब लोग यहाँ चाहिए फौरन। अरे 8:15 हो गया भाई, मैं चलूं दफ्तर के लिए। जी वशमा। हेलो, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। गाड़ी में ऑफिस जाने के लिए, इनफैक्ट सब 8 ऑफिस के आगे ही खड़े होंगे आप। तो तुम्हें मेरी सारी रूटीन याद है? हाँ, तो क्यों नहीं याद होगी? कहो कैसे फोन किया? ड्राइवर भिजवा दो। ड्राइवर भिजवा दूं? किस लिए? जाहिर है मुझे पिक करने के लिए, जब ड्रॉप करना था तो फौरन भिजवा दिया था, और अब जब पिक करना है तो कितने सवाल कर रहे हैं आप। वापस आने के लिए? हाँ जल्दी भिजवाए, मैं वेट कर रही तो मेरी शहजादी सुबह सुबह उठ गई, खैरियत? आपको पता है ना गेस्ट आ रहे हैं, लेकिन मेरे पास कोई ढंग की सलवार कमीज भी नहीं है। सलवार कमीज? लेकिन तुम तो सलवार कमीज नहीं पहनती। आई नो, बट उम्र चाहता है कि मैं ऐसी ड्रेसिंग करके उसके पेरेंट्स के सामने मत आऊं। अच्छा, उमर ने कहा है तुमसे और तुम उसकी बात मान रही हो? हाँ जरूर मानो, मैं मना नहीं कर रही कि तुम उसकी बात नहीं मानो, लेकिन लेकिन अगर उमर की बात मानना ही है तो पूरी तरह से मानो ना। अगर वक्ती तौर पर तुम शलवार कमीज पहन लोगी तो ये तो फिर फेक होगा ना, यू नो व्हाट आई मीन। और वैसे भी उसने जब तुम्हें पसंद किया था तो इसी हाल में किया था ना, तो वाई। चलो गो अहेड एंड डू एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू डू, एंड तुम मान लो उसकी बात, तुम अगर उसके रंग में रंगना चाहती हो अपने आप को तो रंग लो पूरी तरह से, तो फिर ये दिखावा क्यों? ढीले ढीले कुर्ते पहनो, बड़े बड़े दुपट्टे लो, और वो ऐसे करके नहीं पहन लेते इतनी सारी, वो सारी कुछ पहनो। व्हाई नॉट गो ऑल द वे एंड चेंज योरसेल्फ कंप्लीटली? नहीं नहीं, वो तो मुझसे नहीं होगा ना। आई थिंक आप ठीक कह रही हैं, अगर मैंने अभी से उसकी बात सुन ली और उसकी फैमिली के सामने वैसे कपड़े पहन के चलेगी, शायद वो कल को डोमिनेटिंग हो जाएगा और मुझे कहेगा कि मैं वैसे ही कपड़े पहनूं, मैं वही पहनूंगी जो मैं पहनती हूँ। Absolutely, be the way you are, क्योंकि इसी तरह तो उसने तुम्हें देख के प्यार किया ना तुमसे। तो क्यों बदलो? You never change for anyone. मेरे हिसाब से तो ये कोटेशंस बिल्कुल परफेक्ट है, आप क्या कहते हैं सर? इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आज आप कहाँ गुम हैं?
I'm here. What happened? नहीं सर, आज आपका ध्यान बार बार कहीं और जा रहा है। लगता है आप किसी और के ख्यालों में हैं आज। Miss Dilruba, it's not necessary कि जो आपको लग रहा हो वैसे ही। क्या बात कर रहे थे? Quotation सर, मैंने चेक कर लिया, आप देख लीजिए। बहुत थक गए होंगे दोनों। आप लोग रिक्शे में आए थे या टैक्सी में? जी हाय, मुझे कह दिया होता ना, मैं अपनी कार भेज देती। हाय बहुत गर्मी लगी होगी, तो ड्रिंक का पूछो ना। कौन सी ड्रिंक लेंगे आप लोग? पीना कोलाडा, पिंक लेडी, मिंट वर्जन। जी क्या करती हो, सादे से लोग हैं, सादे से शरबत पिला दो। इसने इतना उलझा दिया, जाओ जाके सादा सी शरबत लेकर आओ। आई एम सो सॉरी। उमर को भी ले आते साथ? ऐसे मामलात में हमारे यहाँ लड़कों को नहीं लाया जाता और हमारे रिवाज नहीं है ना। लड़का लड़की को पसंद कर ले, ये रिवाज है आपके यहाँ, है ना? अरिशा भाभी कहाँ है? अरिशा आती होगी, अभी अभी उठाया मैंने, सो रही थी ना। अभी तक सो रही थी? क्या करे बेचारी, आजकल की लड़कियां इतनी बिजी होती हैं, वो सारा सोशल मीडिया, उस पे चैट और फोन पे बातें करना, दोस्तों से, सहेलियों से, तो कोई तकरीबन सुबह के 4-5-6 तो बज ही जाते हैं, फिर कोई 2 घंटे लगते हैं सोने में, तो सोते सोते देर हो जाती है, तो सुबह जल्दी कैसे उठे बेचारी। और अगर उठा दो गलती से तो इतना नाराज होती है, इतना नाराज होती है कि मेरी तो नींद ही पूरी नहीं हुई थी, मेरा मूड ऑफ हो गया। बहुत डिफिकल्ट है मेरी बहन, बहुत डिफिकल्ट। नई वाली भाभी कहाँ है? आपके भाई ने शादी की है ना, आपकी भाभी कहाँ है? शादी तो कर दी थी उसकी, लेकिन बेचारा भाई मेरा, उसकी अलहदगी हो गई, आप लोग को नहीं मालूम? अच्छा, उनकी अलहदगी हो गई, हमें तो नहीं पता चला। बस क्या बताओ, भाभी का तो ऐसा मसला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन? मैं मिसेस शहीर। आप लंच कर लीजिए, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। सर मुझे ना कुछ पूछना भी था आपसे। I said, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ, फिर डिस्कस कर लेंगे, ओके? लेकिन हाँ शहीर, मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा था, कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है अभी। इमदाद भाई आप अच्छी तरह से जानते हैं घर पे मेहमान है, सो इट्स इम्पॉसिबल, आज मीटिंग पोस्टपोन कर दीजिए और बाकी मैं लोगों से खुद बात करके सब हैंडल कर लूँगा। See you in 2 hours. तुमसे कहा था कि इसे रोक के रखना। आपसे तो वो रुके नहीं, मुझसे क्या रुकते, वैसे मैंने ट्राई किया। Shut up. आपने तो कहा था कि अलहदगी हो गई है। मैंने कहा था? कब? अच्छा आप उमर की बहन है? जी। नेचुरल ब्यूटी की तो बात ही अलग होती है। बेटा एक बात पूछूं आपसे? जी आंटी जरूर। इन्होंने तो कहा था कि आपकी अलहदगी हो गई है भाई से। ये आई थिंक शहीर के फर्स्ट वाइफ के बारे में कह रही होंगी, मैं उनकी सेकंड वाइफ हूँ और हमारी सेपरेशन नहीं हुई और ना ही कभी होगी। अच्छा माशाल्लाह, आपकी भाभी बहुत खूबसूरत हैं और बहुत खुश इखलाक भी। अरिशा नहीं आई अभी तक? वो मैं लेकर आती हूँ।
कम इन। तुम? हाँ मैं। इसमें इतने शौक होने वाली क्या बात है। ठीक है, जब पहली बार मुझे देखा था तो बहुत शौक हो गई थी, लेकिन सारी उम्र ऐसी शौक होगी? सारी उम्र? हाँ सारी उम्र। वैसे कितना वेट पुट ऑन कर लिया तुमने? नहीं नहीं तो। हाँ तो जब मोटे होते हैं ना तो लूज फिटिंग के कपड़े पहनते, इतनी टाइट टाइट शर्ट्स नहीं पहनते, और डोले तो देखो बिल्कुल सनी देओल जैसे। कितनी मोटी हो तुम। रियली? बहुत ऑनेस्ट हूँ मैं। जी ओके। और सुनो शलवार कमीज पहनना, तुम्हारा रिश्ता आया हुआ है। ड्राइवर भिजवा दे। जाहिर है मुझे पिक करने के लिए जब ड्रॉप करना था तो फौरन भिजवा दिया था, और अब जब पिक करना है तो कितने सवाल कर रहे ना। अगर कांटे से मुश्किल हो रही है तो चम्मच से खा लो। अरे आंटी इसको छोड़े, आपने एक काम करें चावल खाइए ना, चावलों का तो अपने ही मजा होता है, बस अचार के साथ खाइए। निकाले पश्मा, ये चाइनीज खाना है, अचार के साथ नहीं खाया जाता। अरे भाई क्या हो गया अगर चाइनीज खाना है। आप ना इसको साइड पर करें और चावल निकालें, अचार के साथ खाइए। मैं कहती हूँ कांटा चम्मच वगैरह छोड़ें, मुझे वैसे ही नहीं पसंद, हाथ से शुरू हो जाइए। वैसे भी सुना सुन्नत है। बस बेटा बस, हाथ से खाएंगे? क्या हो गया आपा, मैंने कहा ना सुन्नत है, इसमें कोई बुराई थोड़ी है। आपकी भाभी बहुत अच्छी है। चले मेरे ही खातिर बताइए कि मंगनी कब करनी। पश्मा शहीर घर पर नहीं है तो मंगनी कैसे कर देंगे, कैसे डेट सेट कर देंगे? भाई को आने दो, वैसे भी अरीशा बहुत लाडली है, शहीर का यहां होना बहुत जरूरी है, समझी? अरे अरे भाई आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा हुआ आप आ गए। आपने लंच किया है, मैं आपके लिए निकालूं? I'm fine, thank you. आप लोग प्लीज कंटिन्यू कीजिए, घर पे सब ठीक है? परफेक्ट। मेरे ख्याल से मेरी बीवी पश्मा पहले ही मंगनी के हवाले से सारी बात कर चुकी है आप लोगों से, तो वहीं से सिलसिला जोड़ना। कब रखनी है मंगनी? जब आप लोग कहें। नेक्स्ट वीक सही रहेगा, क्यों वश्मा? आप बताएं। हाँ जैसे तुम कहो, तुम अगर कह रही हो तो टाल थोड़ी सकती हूँ। ठीक है नेक्स्ट वीक कर लेते हैं मंगनी। मुबारक हो आपको। हाँ आपको भी बहुत मुबारक हो। आपा मिठाई मंगवाए? हाँ क्यों नहीं, मंगाते हैं मिठाई बिल्कुल। सकीना मैंने बहुत कोशिश की कि मैं शहीर को दफ्तर में रोक सकूं, नहीं रोका। आई ट्राइड माय बेस्ट। अब क्या हो सकता था भाई, बच्चा थोड़े ही है जैसे जबरदस्ती रोक लेता मैं, मतलब क्या करता। अब जा रहा था तो मैं बाजू पकड़ के उसको रोक लेता। रोक भी लेते तो क्या फर्क पड़ जाता, उस तूफान को कौन रोकता जिसका नाम वश्मा है। तनी कहां से आ गई, आज का दिन ही बुरा था और मैंने क्या क्या सोचा हुआ था कि मैं अरीशा के लिए उनका दिल खट्टा कर दूंगी और वो भाग जाएंगे। आखिर सब तबाह कर दिया। अभी सिर्फ बदली हुई है और मुझे अपनी बेगम के टैलेंट पे पूरा भरोसा है।
मुझे यकीन है कि तुम कुछ ना कुछ तो कर लोगी। कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी, लेकिन अपने भाई का क्या करूंगी? पत्नी कहां से आ गई पश्चिमा? और उसको देखो क्या कह रहा था कि इस लड़की की मैं शक्ल नहीं देखना चाहता, मुझे इस घर में नजर ना आए, और कैसे हंस हंस के बातें कर रहे थे दोनों, जैसे कोई झगड़ा ही नहीं था, हर चीज नॉर्मल है अब। इस लड़की के पास जरा बराबर भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, इतनी सी भी नहीं है। अच्छा गुस्सा थूका जा सकता है? छोड़ दो ना, खुदा का वास्ता है, तुम क्यों इतना भड़क रही हो? चलो ना आगे का सोचो। अब आगे का नहीं, बहुत आगे का सोचना है। अच्छा हुआ तुम वापस आ गई। आप ये भी कह सकते हैं कि आपको खुशी हुई कि मैं वापस आ गई। चलो शाम में मिलते हैं। कहाँ जा रहे? ऑफिस जाऊं। तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया था कमरे में। शुक्रिया अदा? ऑब्वियसली जिस तरह से तुमने गेस्ट को ट्रीट किया या उनके सामने बिहेव, so thankful to. चले जाइएगा ऑफिस, लेकिन मैं पहले आपकी एक और ख्वाहिश पूरी करूं। ओके चले मेरे साथ। खाना खाएंगे? नहीं। चले भूख लगे तो बता दीजिएगा। तुम तो बहुत खुश होगी, वश्मा वापस चली गई। हाँ सही पहचाना आप, मैं बहुत खुश हूं कि वश्मा अपने घर वापस चली गई। मना लो खुश, लेकिन एक बात याद रखना मरियम, अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए वो इज्जत नहीं रही। मैं तुम्हें क्या समझता था और तुम क्या निकली हो। ये तो सारा एक मिनट में पता चल जाएगा। नाउ वेट। पापा आई एम सॉरी, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। नहीं तो कोई गलती नहीं होगी, दिल से सॉरी। कोई बात नहीं, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। इसका मतलब आपने मुझे माफ किया? कितनी स्वीट है ना आप। अब मैं कह सकता हूं कि मुझे तुम्हारे वापस लौटने की खुशी है। खुदा हाफिज़।
शहीर के होते हुए ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल नहीं सकता, और ऐसा हो नहीं सकता कि शहीर ऑफिस ना आए, वो तो ऑफिस में ही होता है। अच्छा तो फिर बताओ कितने दिन शहीर दफ्तर ना जाए? वो जा रहा है 2 हफ्ते के लिए। ऑफिस में कौन होगा? मैं होऊंगा और मेरी दिलरुबा होगी। एक काम करता हूँ, इमदाद भाई को साथ ले जाता बिकॉज वशमा इज हैंडलिंग वेरी वेल, और बल्कि सच्ची बात यह है कि मेरी तो बहुत जिम्मेदारी कम होगी। मेरा यार भी तू, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, बेटूला मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार।